हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लेवर किचन। होप यू ऑल आर गुड। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही अमेजिंग एंड यमी। आज हम बनाने वाले हैं चीज बॉल। तो चलिए इस यमी चीज बॉल को बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, चीज बॉल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटोज ले लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कैप्सिकम, या मैंने कैप्सिकम को बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी कैरेट, या मैंने कैरेट को भी बिल्कुल पतला पतला छोटा छोटा काट लिया है। मैं इसमें डालूंगी अनियन, इसमें ऐड करूंगी पनीर, या मैंने पनीर को हाथों से अच्छे से मैश कर लिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी चीज, यहाँ पे मैंने मोजरेला चीज का यूज किया है। और बस अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है छोटी छोटी। और इसके साथ में मैं इसमें डालूंगी धनिया के पत्ते। और मैं इसमें डालूंगी ओरिगैनो। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी फ्रेश ब्रेड क्रम्स, मैंने ब्रेड को मिक्सी जार में पीस लिया था। और बस अब मुझे क्या करना है, इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है अपने हाथों की हेल्प से। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ सभी चीजों को अच्छे से हाथों की हेल्प से मिक्स कर लिया और इसका एक ऐसा डोसा बन गया है। तो बस अब हमें बनानी है इसकी बॉल्स। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसकी बॉल्स हम कैसे बनाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम लेंगे ऐसे हाथ में, और बस इसको हल्के हाथों से ऐसे, आप किसी भी शेप का इसको बना सकते हैं, पर हम चीज बॉल बना रहे हैं तो हम इसको बॉल की शेप का बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको एक बॉल की शेप दे दी है। ऐसे ही मैं पूरे बैटर की बॉल्स बना लूंगी। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने इन सभी को एक बॉल की शेप दे ली है। अब इनको फ्राई करने से पहले हम लोग इसके लिए स्लरी बना लेते हैं। तो यह स्लरी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1/2 कप कॉर्नफ्लावर, और इसी के साथ में इसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच मैदा। और थोड़े से मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा सॉल्ट। और बस मैं इसमें पानी डाल के इसकी एक स्लरी बना लूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें ऐड करूंगी। तो बस यहाँ पे हमारी स्लरी तैयार है, और इसके साथ ही यहाँ पे हमारी चीज बॉल्स भी तैयार है। तो मैं आपको बताती हूँ हम इसे कैसे करेंगे। गाइस, यहाँ पे हमारी स्लरी, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं ब्रेड क्रम्स, और ये हमारी चीज बॉल्स। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें लेना है ऐसे एक चीज बॉल को, उसे डालना है हमें इस स्लरी में, और बस अच्छे से इसे कोट कर लेना है स्लरी में। और बस इसको ऐसे निकाल के अब मैं इसको डालूंगी ब्रेड क्रम्स में। इसको ब्रेड क्रम्स में भी अच्छे से कोट कर लूंगी, और बस इसको निकाल के मैं साइड में ऐसे रख दूंगी। और ऐसे ही मैं अपने सारे चीज बॉल को कोट करके ब्रेड क्रम्स में डालूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने सभी चीज बॉल्स को अच्छे से कोट कर लिया है, पहले स्लरी में और उसके बाद में ब्रेड क्रम्स में। तो बस अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो चीज बॉल्स को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली, और उसमें मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल। और अब हमारे चीज बॉल्स को हम फ्राई करेंगे। तो बस अब मैं इसमें डालूंगी ये चीज बॉल। तो मैं एक बार में सिर्फ 2 ही चीज बॉल डालूंगी। और फ्रेंड्स, हम लोग इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ऊपर से जो हमारा ये चीज बॉल है बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। बस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा चीज बॉल है ऊपर से बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो इट्स मीन्स ये बनकर बिल्कुल रेडी है।
तो बस इस तरीके से मैं अपनी सभी चीज बॉल्स को ऐसे फ्राई कर लूंगी। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने सभी चीज बॉल्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी चीज बॉल की रेसिपी? अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए गाइस मैं फिर से मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।